वल्ला बेबी दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ पांच मैजिक का मसल के कॉर्नर एपिसोड में। बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग इसकी वीडियो में। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि जो मास होता है वो एवेल के सामने एंट्री मार लेता है, और जो एवेल होता है वो थोड़ा सा शॉक होता है ये देख के कि इसने एवेल आई वाले बंदे को हरा दिया, और वो थोड़ा सा इस चीज में शॉक होता है और वो कह रहा होता है कि तू बेटर तो नहीं हो सकता डिवाइन विजनरी से। लेकिन और उतने में मास सोचता है कि ये भी पकड़ लेगा कि मेरे पास मैजिक नहीं है, और वो थोड़ा सा क्यूट सा रिएक्शन देता है। और उसके बाद एवेल अपनी चीजें बोलने लगता है और कह रहा होता है कि वो इसको क्रश कर देगा और इसको हरा देगा, क्योंकि ये कभी भी उन लोगों को झेल नहीं सकता है जो कि इंपीरियर जीन वाले होते हैं। और वो बोल रहा होता है कि हमें खुद के ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहिए जो कि यूजलेस लगेज होते हैं उन लोगों का। मास का सवाल ये होता है कि अगर मैजिक यूज नहीं कर सकता है कोई इंसान तो क्या वो यूजलेस हो जाता है, और उसका आंसर हाँ में होता है और कहता है कि हाँ, उसको मैं मार दूंगा और खत्म कर दूंगा, और वो लोग बेकार होते हैं। और जो अंडर अचीवर्स होते हैं वो भी सेम कैटेगरी में आते हैं। मास जो होता है अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है, जो उसका बुड्ढा होता है उसके बारे में सोचने लगता है, और सोचने लगता है किस तरह से उसने ख्याल रखा था और उसका साथ हमेशा से ही देता आया है। मास कह रहा होता है ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है और लगता है कि हम दोनों अब दोस्त नहीं बन सकते। और उधर से एवेल अभी भी लगा होता है इसके ऊपर अपने कटाक्ष शब्द बोलने में। मास के ऊपर वो अपने कुछ डॉल से अटैक करता ही है। जो लव होती है वो आ रही होती है और वो देखती है कि वो दरवाजा है वो टूटा हुआ है, और झांक के देखती है तो मास सामने खड़ा होता है और उस एक डॉल को तोड़ता है। उसके अंदर से निकलता है एसिड और एसिड पूरे जमीन को जला देता है और मास किसी तरह वो डॉज करता है। उतने में ही देखने को मिलता है एक डॉल की मुंडी जो होती है वो गिर के आती है। उस मुंडी को हाथ में लेता है, उसको बॉलिंग बॉल की तरह लेता है और सीधे थ्रो करता है, और जितनी भी डॉल्स होती है सारी की सारी टूट जाती है। और जो लव का रिएक्शन इस पे आ रहा होता है वो काफी ज्यादा फनी होता है और काफी ज्यादा क्यूट होता है, और ये चीज एक नया पर्सपेक्टिव जोड़ देता है इस एपिसोड में। उसके बाद जब मास जो होता है वो जैसे ही ये डॉल्स को तोड़ता है और कहता है कि अगर मैं तेरे को हरा दूंगा इसका मतलब तू भी एक इंपीरियर जीन बन जाएगा, और वो पूछ रहा होता है कि आखिर लेमन कहाँ है, तो वो उसके बारे में बताता नहीं है और कह रहा होता है कि मैं सारे ही जितने लोग यहाँ पे हैं उनकी मैजिकल पावर्स ले रहा हूँ, और वो कहता है कि अगर मैं तुझे हरा दूंगा तो लेमन को तू मेरे साथ भेजेगा। एबल जो होता है वो कहता है कि जो स्ट्रांग होते हैं वो वीक से हमेशा सारी चीजें ले लेते हैं, और वो यही करता है और तीन बड़ी बड़ी डॉल्स के सामने आ जाती हैं। लेकिन देखने को मिलता है जो मास होता है वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है अगेन, और वो एक पंच में ही वो डॉल्स को खत्म कर देता है। और पीछे देखने को मिलती है लव कह रही होती है कि मुझे अपने घर में वापस जाना चाहिए, यहाँ पे चीजें बहुत खतरनाक होने वाली है। उतने में ही देखने को मिलता है जो एवेल होता है वो अपनी थ्रेट का इस्तेमाल कर देता है मास के ऊपर और उसको होल्ड कर देता है, और उसके अपने हाथ से ही खुद को ही पंच मरवा रहा होता है। उतने में ही देखने को मिलता है दूसरी तरफ से पिन की डॉल आ रही होती है, और वो कह रहा होता है जो डॉट है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में था तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन फिन का इस्तेमाल वो कर सकता है और ये शायद एक अच्छा एंटरटेनमेंट हो। अब ये फिन के ऊपर अटैक तो कर नहीं सकता था, तो जो फिन होता है वो इसके ऊपर अटैक करने लगता है, और देखने को मिलता है मास जो होता है वो बस डिफेंड कर रहा होता है और उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जो फिन होता है उस पर अटैक पे अटैक किए जाता है, लगातार अटैक कर रहा होता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जो कुल्हाड़ी होती है वो टूट जाती है लेकिन मास को कुछ नहीं होता है, और पीछे से देखने को इन लोगों का रिएक्शन मिलता है वो काफी ज्यादा फनी होता है, और जो एवेल होता है वो शॉक में होता है। उसके बाद जो मास है वो कहता है तुझे मेरा गोल्ड कॉइन बहुत बुरी तरीके से चाहिए था ना, तो तू इसे ले सकता है। वो गोल्ड कॉइन को थ्रो करता है और जो थ्रेड्स होती हैं वो कट जाती हैं और वो गोल्ड कॉइन जो होता है वो वापस उसके पास आ जाता है, और मास उसको चिढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है कि जो गोल्ड कॉइन है वो मुझे ज्यादा पसंद करता है। और थ्रेड के टूटते ही फिन जो होता है वापस अपने ह्यूमन वाले अवतार में आ जाता है। उसके बाद जो एबल होता है उसको गुस्सा आने लगता है और वो अब इसको ह्यूमन बनाने की बात कर रहा होता है। इसके ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं वो अटक जाते हैं। एबल के मन में ये चीज चल रही होती है जो ह्यूमन होते हैं वो कभी भी इस थ्रेड की पावर को नहीं ओवर पावर कर सकते, लेकिन जो मास होता है वो ओवर पावर करने लगता है, और एबल की जो उंगलियां होती हैं वो पीछे की तरफ मुड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं, और वो अपने फिर पूरे दम का इस्तेमाल करता है और देखने को मिलता है वो थ्रेड जो होता है वो टूट जाता है और सीधे मास उसके मुंह पे एक लात तगड़ी सी मार देता है उसके मुंह के ऊपर, जिसके बाद उसका थोड़ा सा खून निकल जाता है और वो दोबारा से इसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। एविल यूज करता है मारिनॉस चेंज, जिसके बाद जो मास होता है उसकी बॉडी रुक जाती है और वो डॉल में कन्वर्ट होने लगती है। अब वो इसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं थोड़ा सा तब से इंप्रेस हो गया हूं, लेकिन ये जो जंग है वो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो वीक्स है वो हमेशा ही यहाँ पे प्रे होते हैं, और मेरी नजरों में तू सिर्फ और सिर्फ एक खरगोश है, उसके सिवा कुछ नहीं।
करेगी। वो उसका गोल्ड कॉइन निकालने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन कॉइन की जगह निकलता क्या है, क्रीमी पफ। और उतने में देखने को मिलता है जो माश होता है वो दोबारा से तगड़ा सा पंच मारता है इसे और अपना पफ वापस ले लेता है। और जो लव हो रही होती है वो कह रही होती है रॉक के अंदर क्रीमी पफ डायरेक्ट कैसे कोई रख सकता है, लेकिन ये रख रहा होता है। और जो एवेल होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने इसके सारे जो चक्रा वाली पार्ट थे वो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया था, इसका जो चीज होती है वो माइंड तक नहीं जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसने कैसे एक्शन किया और इस चीज को ब्रेक कैसे किया। तो ये चीज होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स की, कोई भी खतरा आता है तो उसके खिलाफ बॉडी अपने आप रिफ्लेक्स करती है और वही चीज यहाँ होती है, जिसकी वजह से उसने इसको पंच किया और जो पॉपेट फॉर्म था वो गायब हो गया। उसके बाद जो एवेल होता है वो इसको एक्नॉलेज करता है और कह रहा होता है कि जो मैजिक पावर है वो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, वो मैं निकालूंगा इन डॉल्स के अंदर से और वो मैं तेरे ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ और तेरे को मैं अपनी अल्टीमेट स्पेल से क्रश कर दूंगा। और उसने में देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ी सी डॉल आ जाती है जो की होती है आर्म पपेट, और वो सीधे मास के ऊपर मुक्का मारती ही है, मास जो होता है वो किस तरह पीछे जाता है और जो ये हार्म पपेट होती है ये इसके 100 मीटर के रेडियस में कोई भी होता है वो पपेट बन जाता है अगर वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं जो वो धागे होते हैं वो छू लेते हैं तो। और जो लव होती है वो सोच रही होती है कि यानी कि मैं भी पपेट बनने वाली हूँ। और ऊपर देखने को मिलता है एक जो मैजिक होता है वो स्टार्ट हो जाता है और एविल कह रहा होता है कि मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो वार करता है और उसको लग रहा होता है कि अब यहाँ पे मास्क का आत्मा हो जाएगा, लेकिन देखने को मिलता है जो वो पपेट होता है उसके हाथों को तोड़ देता है माश और वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद हाथ को वो हवा में उठा के रखता है। और इतने में देखने को मिलता है लव जो होती है वो एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने क्या देखा। और उसने ये देखा जैसे ही एविल ने मैजिक का इस्तेमाल किया जो माश था उसने अपनी बॉडी को नीचे की तरफ थोड़ा सा झुकाया और जो स्ट्रिंग्स थी वो उसको छूने लगी और वैसे ही वो सारी स्ट्रिंग्स को कैच करता है और पकड़ खींच देता है और वो सारी की सारी जो स्ट्रिंग्स थी वो टूट जाती है। एविल के भी मन में ये चल रहा होता है कि ये जो है ये इनह्यूमन। मास बोल रहा होता है क्या बात है मिस्टर रैबिट, तू तो एकदम पसीने से भीगने लगा है। और मास जो होता है वो एविल को अब चढ़ाने लगता है। जो एविल होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो जो डॉल होती है वो अटैक करने ही लगती है, लेकिन एक मुक्के में ही मास के वो डॉल पूरी तरह से क्रश हो जाती है और एविल के पीछे वो एकदम से आता है, स्पाइन मैजिक मारता है, उसको पकड़ता है, हवा में उछालता है और एक सुप्लेक्स खतरनाक सा F5 मारता है उसके ऊपर, जमीन पर पटक देता है। और फिर उतने में ही जो एविल होता है उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरह उसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी और वो हमेशा ही केयर करती थी सारे लोग की इक्वली। वो एक नोबेलिटी होने के बावजूद वो कॉमनर्स की केयर करती थी, उनका ख्याल रखती थी और उसका मानना ये था कि बाई चांस ये लोग खाली प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमेशा सबकी ख्याल रखती थी, खाना खिलाती थी, सबको देखभाल करती थी। उतने में ही एक जो कॉमनर था वो वहाँ आता है और उसको चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो मर जाती है और उसके जेंटल होने के बावजूद उसकी मौत हो जाती है एक कॉमनर के द्वारा, जिसके बाद से ही जो एविल होता है उसका मिशन बन जाता है कॉमनर्स को हटाना और वो जो बेकार लोग हैं उन सारी लोगों को इस दुनिया से निकाल देना है। इसीलिए वो अपनी एक पूरी गैंग बनाता है जो वीक्स को खत्म करने का जिम्मा उठाते हैं। एविल बोल रहा होता है कि तेरी बातें तेरी हरकतें मेरे को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे मेरे माइंड को। और मार्श का ये मानना होता है कि जो बैड लोग होते हैं जो खराब लोग होते हैं वो खराब ही होते हैं चाहे वो किसी भी स्टेटस के हों। मार्श का फिर यही सवाल होता है कि बाकी सारी चीजें साइड रखो और मुझे ये बता कि लेमन कहाँ है, और तू हार चुका है तो लेमन को तू रिलीज कर और वापस कर। एविल कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हार चुका हूँ, तो मैं सारे लोगों को छोड़ दूंगा जिनको भी मैंने पपेट बनाया है, और वो सारे लोगों को छोड़ देता है। और मार्श बोल रहा होता है कि तूने अपनी माँ के लिए सारी चीजें की हैं तो मुझे ये लगता है कि तू इतना ज्यादा खराब इंसान भी नहीं है। और उसके बाद जो मार्श होता है वो रिलीज कर देता है, लेमन जो होती है वो भी आ जाती है, फिन भी उठ जाता है और लेमन जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। जब फिन होता है इन लोगों के पास आ जाता है और वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और लेमन सॉरी होती है कि उसने इन लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया और ये लोग हैप्पी फ्रॉलिक करने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा फनी लगता है। एविल के मन में अभी भी ये चीज चल रही होती है कि ये लोग कितने ज्यादा गधे हैं और ये लोग मजे मजे कर रहे होते हैं। मार्श के पास बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं और जो लेमन होती है वो मार्श से थैंक यू बोलती है। उतने में जो डॉट होता है वो भी इन लोग पास आ जाता है और सारे लोग फिर से हैप्पी फ्रॉलिक कर रहे होते हैं। फिन कह रहा होता है बाय द वे सारे लोग तो यहाँ है लेकिन लांस कहाँ है, और लांस कहीं जा रहा होता है, उसके पास आ जाता है वो डिवाइन विजनरी एविल वाला और वो कहता है कि तू इस स्कूल को तो बिलोंग नहीं करता है तो आखिर तू है कौन। और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसकी स्पैडर आती है और वो बताती है कि जो इसका मैजिक काउंट है वो मैक्स है और वो अपना रियल फेस दिखाता है और ये होता है इनोसेंट जीरो। ये पूछने लगता है अगर तू स्कूल के अंदर कर क्या रहा है, तो वो इसका जवाब सीधा सीधा देता नहीं है और कह रहा होता है कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, वो चीज स्कूल के अंदर होनी चाहिए लेकिन मेरे को अभी तक मिली नहीं है। और ये कहने लगता है कि मैं सारी चीजें तुझे बताऊँ क्यों, हम तो फ्रेंड्स में नहीं है और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे
कैसे मैं बाहर ला सकता हूँ। और ये बोलने लगता है कि ये अब जाएगा और एविल को मारेगा। ये जाने ही लगता है। आगे उतने में ही देखने को मिलता है एक बड़ा सा चाकू आ जाता है और एक और इंसान यहाँ पे आ जाता है जो कि होता है जॉन पियर, और वो होता है किलर और कैनेबलिस्ट। जो हमारा डिवाइन विजनरी होता है वो सोच रहा होता है कि इसको जल्दी से यहाँ हरा के जाना होगा क्योंकि वो लोग इसको फेस नहीं कर पाएंगे और इसे हरा नहीं पाएंगे। और इसी साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो यार क्या मजेदार और फनी एपिसोड था, और क्या भाई बहुत ही बैंगर एपिसोड था, देखने में काफी ज्यादा मजा आया। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।